हेलो। यस, वी आर लाइव नाउ। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने लेके बिल्कुल एक नया टॉपिक। हाँ जी, जो भी मेरे मित्र अभी लाइव हुए हैं कृपया कमेंट करें। तो सभी मेरे दोस्तों को फिर से गुड मॉर्निंग, राम राम। देख रहा हूं मैं काफी अच्छा रुझान है, मेरे जितने भी मित्र अभी लाइव हुए हैं मैं सभी का एक बार नाम ले देता हूं। राजेंद्र कुमार जी दुबका, राज मेठिया, बलजिंदर सिंह जी, द डीमोन, हमारे मनीष सर, ये जो कैंडिडेट है ये सारे। हाँ, बलजिंदर सिंह जी भी लाइव हो चुके हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा बिल्कुल एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, जो कि रेलवे, एनटीपीसी और पटवार, एसएससी और उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उन सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ जी, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे मित्र, जो भी मेरे बंधु मेरी लाइव क्लास को देख रहे हैं या जिन्होंने मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन किया है, उन सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा वो इस लाइव क्लास को एक बार जल्दी से जल्दी अपने मित्रों के अंदर शेयर कर दें। जितने भी आपके पास में ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर एक बार थोड़ा सा शेयर कर दें। जो भी मेरे मित्र अभी लाइव हुए हैं वो कृपया करके एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दें, इस लिंक को शेयर कर दें जरूर जल्दी से। फिर हम अपनी लाइव क्लास से जो आज स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि पदार्थ और उसके गुण। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो टॉपिक है यह प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो हम एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है। अभी दो या तीन मित्र मेरे अभी लाइव हैं इस क्लास के अंदर। हाँ जी, काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सात मित्र लाइव हो चुके हैं हमारे। तो सभी दोस्तों का स्वागत है, स्वागत है आप सभी का, सभी दोस्तों का स्वागत है। हाँ, जो जो मेरे मित्र अभी लाइव हैं वो क्लास को जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों के अंदर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए मित्रों, ये जो कॉम्पिटिटिव, जो भी जितने प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। तो अभी आठ या नौ के मित्र है जो हमारे अभी लाइव हो चुके हैं। तो चलिए अब उससे पहले ज्यादा कोई समय व्यर्थ गंवाए हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम करते हैं बात हमारे टॉपिक की। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक था मैटर, उसके बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैटर क्या होता है। हाँ जी, तो सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे, मैटर क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस ब्रह्मांड के अंदर, किसके अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर उपस्थित वह पदार्थ या उपस्थित वह सब कुछ, हम सिंपल बोल सकते हैं उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान ज्ञात है और जिसका द्रव्यमान हो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्रव्य, या इंग्लिश के अंदर इसको क्या बोलते हैं,
मैटर कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि इस ब्रह्मांड के अंदर हम जो कुछ भी देखते हैं वो सारा का सारा आपका क्या होता है, द्रव्य या मैटर कहलाता है। देखिए ये हम बाई लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर करेंगे। अगर कोई मेरा मित्र है, कोई विद्यार्थी जो अभी इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी काफी ये जो क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। हाँ जी, तो सभी दोस्तों का धन्यवाद। लगभग 11 या 12 मित्र मेरे अभी लाइव हो चुके हैं, तो स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का। जो जो मेरे मित्र अभी लाइव हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए ये मैटर है, मैंने आपको बता दिया, बी एवरीथिंग दिस दैट इज इट इन द यूनिवर्स एंड सराउंडिंग स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्रव्य कहेंगे। जैसे कि मैं पेन है तो वो क्या हो जाएगा, प्रकार का द्रव्य हो जाएगा। कॉपी जो आप यूज कर रहे हो वो भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। उसके अलावा जो कुछ भी अपने सराउंडिंग के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है, सारा का सारा क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं उसका द्रव्यमान क्या होता है और उसका आयतन क्या होता है। तो हम दो चीजों को समझते हैं, द्रव्य और आयतन को। तो देखिए अभी किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित द्रव्य, यानी किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है उसको उसका क्या बोलेंगे, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को सिंपल लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है आयतन। क्या कहा जाता है भाई, आयतन कहा जाता है। समझ में आई बात, है ना। तो देखिए किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा यानी कि उसका जो भार है या उसमें निहित पदार्थ की मात्रा को उसका क्या बोलेंगे, द्रव्यमान कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बलजिंदर सिंह सर, रेखा बिश्नोई मैडम, हाँ रेखा जी मैडम, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, सुपर प्रभात। तो देखिए किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा और उसका द्रव्यमान, जब किसी, है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसका द्रव्य कहते हैं। और अगर कोई वस्तु है वो एक निश्चित स्थान घेरती है और उस स्थान की जो माप होती है उसको उसका क्या बोलेंगे, अपने वॉल्यूम यानी उसका आयतन कहते हैं। समझ में आई बात, है ना। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो उसका पदार्थ का जो उसमें जो नीत पदार्थ की जो मात्रा है उसको तो अपने क्या बोलेंगे, उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम सिंपली क्या बोलते हैं, भार भी कह सकते हैं। और कोई वस्तु है उसका जो स्थान घेरेगी उसको उसका क्या बोलेंगे, आयतन कहेंगे। तो मैं कमेंट देख पा रहा हूं मेरे दोस्तों का, तो बलजिंदर सिंह जी का कमेंट आ रहा है, थैंक यू सर। तो ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी पदार्थ होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मैटर कहेंगे। और मैंने आपको द्रव्य और आयतन के बारे में भी बता दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो देखिए मैटर की मैंने बात की थी, तो इस पूरे सराउंडिंग के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर लाखों अलग अलग पदार्थ ज्ञात है, है ना, लाखों अलग अलग पदार्थ ज्ञात है। हम देखते हैं बहुत सारे पदार्थ इस सराउंडिंग के अंदर उपलब्ध है, बहुत सारे सराउंडिंग के अंदर पदार्थ देखते हैं। तो उनको अपने अलग अलग पार्ट्स के अंदर या अलग अलग रूपों के अंदर उसको क्लासिफाइड किया जाता है, अलग अलग रूपों में उसको बांटा जाता है, अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पदार्थ को हम सॉलिड स्टेट के अंदर रख सकते हैं, गैस स्टेट के अंदर रख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर उसको रखा जा सकता है। हाँ जी, आनंद कुमार से, हाँ जी आनंद कुमार जी की, जो आनंद कुमार जी जुड़ चुके हैं, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम सभी को। तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी अलग लाखों लाखों जितने अलग अलग लाखों पदार्थ हमें ज्ञात है उनको अपने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे सॉलिड स्टेट के अंदर कर सकते हैं, गैस स्टेट के अंदर कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर भी इनको अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है। तो मेनली जो पदार्थ की जो स्टेट जो होती है वो कितनी होती है, तीन होती है, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और सॉलिड स्टेट। ये तीन प्रकार की स्टेट होती है। समझ में आई बात आपको। चलिए देखिए ये मेरी पहली या दूसरी लाइव क्लास है, तो थोड़ा सा इस पे पढ़ाने में, क्योंकि ज्यादातर ऑफलाइन ही पढ़ाया है तो इस कारण थोड़ी सी हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है। चलिए एक दो क्लास के अंदर सही हो जाएगा। तो लाखों अलग अलग पदार्थ ज्ञात है और उन सभी को ठोस, तरल या अलग अलग गैस रूप में उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। प्रवेश रोकना जी सर, राम राम। स्टेनोग्राफर बेस्ट कोडिंग क्लास, जय श्री एग्री, जय एग्री राम सर, जय राम राम सर जी। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। जो भी मेरे मित्र अभी लाइव हुए कमेंट कर रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। तो सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू।
थैंक्स टू ऑल। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया भी जितने भी सराउंडिंग के अंदर जो मैटर है या जितना भी द्रव्य है उनको हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो देखिए मित्रों, जो स्टेट है पदार्थ की वो टोटल मेनली कितनी होती है? तीन। मेनली कितनी होती है पदार्थ की स्टेट? थ्री होती है, तीन होती है। लेकिन हम पदार्थ को टोटल पांच कैटेगरी के, यानी पदार्थ की टोटल पांच अवस्थाओं में पदार्थ को बांटकर पढ़ते हैं। तो पहली जो स्टेट की जो अवस्था होगी वो कौन सी होगी? सॉलिड स्टेट। दूसरी कौन सी होगी? द्रव स्टेट। आप देख पा रहे पहली पदार्थ की अवस्था कौन सी है? सॉलिड स्टेट। दूसरी कौन सी है? लिक्विड स्टेट। और तीसरी कौन सी है? गैस स्टेट है। और चौथी स्टेट कौन सी है? प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है ना। और एक पांचवी अवस्था और होती है जिसको अपन कहते हैं बीईसी, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से उसको जाना जाता है। तो देखिए हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले हम व्हाट अबाउट प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में बात करेंगे। हाँ जी सर, सीजीएल की तैयारी जो है करवा रहे हैं अपने, बिल्कुल बिल्कुल सीजीएल की तैयारी करवाएंगे हम। बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छी फैकल्टी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, और जो कि सीजीएल की क्लास, एसएससी रीजनिंग जो भी होगी वो सारा आपको करवाया जाएगा। देखिए ये जो मैंने आपको मैटर अभी प्रोवाइड करवाया है, ये मैंने बहुत ही मेहनत लगा के तैयार किया है, और इसमें से अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैटर आपने पढ़ लिया एक बार, तो आपको कहीं से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और देखिए मैं बायलैंग्वेज करवा रहा हूं, बायलैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये जो क्लास है फायदेमंद रहेगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जो पदार्थ की जो अवस्था है टोटल कितनी है। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग द डिमोस मनीष सर, द विजार्ड ऑफ मैथ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, जितने मित्र मेरे अभी लाइव है थोड़ा सा क्लास को शेयर करके मेरे सपोर्ट कर दें। देखिए ये मैंने रावला मंडी से मैं लाइव हुआ हूँ फिलहाल अपने घर से ही, तो ये अपना ऐसे मान सकते हो, रावला मंडी का चैनल है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के अंदर शेयर करें। चलिए तो मैंने आपको बताया पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, मेन तीन होती है, ठोस, द्रव और गैस। और उसके अलावा मैंने आपको बता दिया पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा और बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए आपने व्हाट अबाउट प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए प्लाज्मा एक क्या होती है? गर्म आयनित गैस होती है। जब गैस को आयनित किया जाता है, जब गैस को गर्म किया जाता है तो वो अलग अलग अपने आयनों में टूट जाती है, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए कोई गैस है अपने पास, गैस को आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा गर्म किया, तो गर्म करने के बाद में वो उसके अंदर जितने आयन होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ये वो दोनों क्या हो जाते हैं, उन दोनों की जो संख्या होती है वो लगभग समान हो जाती है। और समान होगा ऐसी गैस जिसके अंदर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की संख्या क्या होती है, लगभग बराबर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की चौथी स्टेज यानी प्लाज्मा कहा जाता है। हाँ जी, तो इसमें स्टेनोग्राफर फैक्ट अकॉर्डिंग की तरफ से कमेंट आया है, थैंक यू स्टेनोग्राफर वेस्ट कोडिंग क्लास, थैंक यू आप सभी का। जितने मेरे मित्र हैं काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा रिस्पांस मेरे को देखने को मिल रहा है, धन्यवाद सभी का। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो देखिए अपने बात करते हैं, देखिए एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है गैस। इन प्लाज्मा वर्सेस गैस, यानी प्लाज्मा क्या होता है, गैस क्या होती है, इन दोनों को आपस में एक साथ में पढ़ते हैं। तो देखिए प्लाज्मा जो होती है वो गैस की तरह कोई निश्चित आकार या मात्रा नहीं होती, और ठोस या तरल और पदार्थों की तुलना में कम घना होता है। यानी कि देखिए प्लाज्मा जो होती है कि गैस की तरह होती है बिल्कुल, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, उसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, ठोस में तरल पदार्थ है, और उन सभी की तुलना में क्या होती है, वो थोड़ी सी कम गहरी होती है। यानी कि उसके अंदर जो आयन होते हैं वो इन दोनों की तुलना में थोड़े कम आयनित होते हैं या एक दूसरे के साथ में थोड़े कम जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो महत्वपूर्ण जो स्टेज होती है वो थोड़ा सा अलग अलग रहती है, लेकिन वो पदार्थ जो होता है ठोस, द्रव और तीन गैस, इन तीनों की तुलना में काफी ज्यादा मिलती नहीं इन तीनों से। समझ में आई बात आपको? हाँ जी। अब देखिए प्लाज्मा जो होती है वो गैस के विपरीत होती है। चलिए बात करते हैं प्लाज्मा में क्या होता है, धनात्मक होते हैं, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, साथ में नाभिक पाया जाता है, और जिन्हें अपने क्या कहते हैं, आयन कहते हैं।
और जबकि यह एक उदासीन अणु और परमाणु से मिलकर बनी होती है। देखिए प्लाज्मा की मैं बात करूं तो प्लाज्मा क्या होता है, धनात्मक। प्लाज्मा का जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, शायद नेटवर्क कनेक्शन के अंदर थोड़ा इरर होने की वजह से थोड़ा सा विलंब हो रहा है आप सभी को। हाँ जी, नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा शायद इरर आ रहा है इसके अंदर। बिल्कुल सही है, नेटवर्क कनेक्शन चल रहा है। तो अगर अपने बात करें तो प्लाज्मा जो होती है वो गैस के विरुद्ध, प्लाज्मा में क्या होते हैं, धनात्मक नाभिक पाए जाते हैं जिन्हें अपने क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। देखिए ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर क्या होते हैं, यहां पे बिल्कुल नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, धनात्मक आयन पाए जाते हैं, पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं जिन्हें अपने क्या कहते हैं, जिन्हें अपन क्या कहेंगे, आयन कहते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे भाई, इनको अपने बोलेंगे आयन, इनको अपन क्या बोलेंगे, आयन्स कहेंगे। बहादुर सर रावला मोस्ट वेलकम सर, धन्यवाद सर। इनको अपन क्या बोलेंगे, आयन। बहादुर सर रावला, हमारे राजेंद्र जी बहादुर सर लाइव हो चुके हैं, और चौधरी दिनेश रेवाड़ सर थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, परमाणु कहेंगे। समझ में आई बात आप सभी को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अपने बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पदार्थ की जो पहली स्टेट है जो कि क्या है, सॉलिड स्टेट, यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी निशान सिंह जी, मैं अच्छा हूं सर, आप बताइए आप कैसे हो। तो देखिए अभी ठोस अवस्था की बात करते हैं। तो ठोस अवस्था के सबसे पहले गुण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए द सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट द फिक्स साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ठोस जो अवस्था होती है उसके अंदर वस्तु के आकार और उसका जो आयतन होता है वो हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है, यानी फिक्स्ड होता है। यानी कि कोई ठोस अवस्था के अंदर अपने पास में कोई वस्तु है तो उसका आकार और आयतन दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब देखो भाई उसके बाद में उसके ऊपर बाह्य दाब लगाने पर ठोस में अपना आकार बनाए रखने की क्षमता नगण्य होती है। यानी कि देखिए अपने पास में सॉलिड स्टेट के अंदर, ठोस अवस्था के अंदर यदि कोई वस्तु है उसके ऊपर यदि आप कितना बाह्य बल लगा लेना, कितना बाह्य बल लगा लेना, उसके आकार को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ठोस के आकार को परिवर्तित अपने नहीं कर सकते। और ठोस के अंदर संपीड़ितता का मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, उसके ऊपर बाह्य बल लगाने पर भी वो ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता। तो पहली सॉलिड स्टेट की पहली विशेषता क्या होगी, ठोस अवस्था का आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होते हैं, विकृति उत्पन्न नहीं कर सकते। ये सॉलिड स्टेट की दो विशेषताएं होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए ये यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ मजदूर है वो एक लोहे की जो शील्ड है उसके ऊपर जोर जोर से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन देखिए उस शील्ड के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं लेकिन उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ जी बहादुर सर का कमेंट आया, सर थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ जी सर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी मित्रों का। ये बहुत ही जल्द नेटवर्क की जो समस्या उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। नेटवर्क की समस्या को जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। चलिए तो इसमें देखिए जितना ऊपर उसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं लेकिन इसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता तो ये जो अपने इसके ऊपर जो भी एक तरह से उन्होंने शील्ड लगा रखी है, उस शील्ड के ऊपर जल्दी से अगर वो प्रहार कर रहे थे, इसके शील्ड के अंदर आकार के अंदर परिवर्तन होता तो वो शील्ड क्या हो जाती, पिचक जाती है ना। ऐसा नहीं होता है, किसके अंदर नहीं होता, ऐसा ठोसों के अंदर नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, ठोस के अंदर जो नगण्य संपीड़ता होती है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। हाँ जी चलिए निशान सिंह सर, हाय सर, हेलो सर, नमस्ते निशान सिंह जी को, नमस्ते मेरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो देखिए सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, अगर अपने ठोस को यदि अपने गर्म करते हैं, यदि ठोस को अपन क्या करेंगे गर्म करते हैं, तो
तो वो थोड़ा सा फैलता है और ठंडा करने पर वापस थोड़ा सा क्या होता है, संकुचित होता है, है ना। देखिए सॉलिड यूजुअली इंक्रीज स्लाइडली इन द साइज व्हेन हीटेड, यानी कि जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड यूजुअली डिक्रीज इन साइज इफ कूल्ड, मतलब यदि जो ठोस होता है उसको यदि अपने ठंडा करेंगे तो उसका यानी डिक्रीज हो जाएगा, यानी उसका साइज छोटा हो जाएगा वापस पहले की तुलना में। अब देखिए मैंने आपसे व्हाई आर गैप्स इन लेफ्ट इन बिटवीन रेल सेक्शन व्हेन लाइंग ए रेलवे ट्रैक, यानी जो रेलवे ट्रैक होता है उनके बीच में, आप देखिए यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक होता है उसके अंदर आपने देखा होगा बीच में यहाँ पे बिल्कुल एक थोड़ा सा छोटा सा स्पेस रखा जाता है, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक छोटा सा स्पेस छोड़ रखा है। ये स्पेस छोड़ने का रीजन क्या होता है, ये आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। हाँ जी आपका आंसर आ रहा है क्या, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, रेलवे ट्रैक के बीच में गैप्स क्यों रखा जाता है। जितने मेरे मित्र भी लाइव हैं वो बताएं। हाँ जी मंजीत सिंह जी वरवाल, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मंजीत सिंह जी वरवाल को वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, इसके अंदर गैप रखने का, जब भी इसमें से ट्रेन गुजरती है तो गुजरने के बाद में क्या होता है, जो जैसे इसके ऊपर ट्रेन गुजरती है तो ये जो इसके बीच में ये जो इसकी जो पटरी होती है वो गर्म हो जाती है, है ना, जो लोहे की जो रोड्स लगी होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद में उनका थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, गैप वापस रिकवर हो जाएगा, और जैसे ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाएगी तो गुजरने के बाद में वापस क्या हो जाएगा, ये जो लोहा है या इसके ऊपर जो ये स्टैंड लगा हुआ है ये क्या हो जाता है, वापस ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद में वापस उसका जो गैप है वो मेंटेन हो जाता है। चलिए इसके कारण इसके अंदर गैप रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो देखिए सॉलिड स्टेट के जब अपने बात करते हैं तो इसमें जो अंतरणुक या आणविक जो बल होता है इनके बीच में जो गैप होता है यहाँ पे, जैसे इसके अंदर जितने भी कण होते हैं ठोस के अंदर, जैसे मान लीजिए अपने पास में सॉलिड स्टेट के अंदर ठोस पदार्थ है कोई भी, इसके अंदर जितने भी अंतरणुक बल होते हैं या अंतरणुक जो कण होते हैं सॉरी, इनके मध्य प्रबल अंतरणुक बल पाया जाता है और इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। देखिए इनके अंदर आणविक स्थान कम होता है और इनके मध्य आकर्षण बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसके मध्य क्या होता है, जो मध्य आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। उसी प्रकार से अपने बात करें तो इसी प्रभाव में लकड़ी ठोस का घनत्व अधिक होता है, उदाहरण लकड़ी पत्थर कांच इत्यादि, है ना। देखिए इसी प्रभाव के कारण क्या होता है, ठोस का घनत्व हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। इसी के कारण क्या होता है, ठोस का घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, पत्थर कांच इत्यादि, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाँ जी जो भी मेरे मित्र भी लाइव हैं, हेलो हाय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। देखिए पदार्थ की हमने पहली अवस्था की बात कर ली है सॉलिड स्टेट, अब नेक्स्ट हमारी लिक्विड अवस्था यानी कि पदार्थ की द्रव अवस्था। तो देखिए भी द्रव अवस्था की मैं अगर बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं भाई, द्रव अवस्था की बात करूं, अपने लिक्विड अवस्था की बात हो रही है। तो देखिए भी एट गिवन टेम्परेचर ए लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड विल टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इज प्रूडेड, यानी कि किसी निश्चित तापमान पर द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यानी अपने पास में एक फिक्स्ड टेम्परेचर है उसके ऊपर द्रव का जो
आयतन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसके अंदर इसे उड़ेला जाता है, जिसके अंदर इसको डाला जाता है। आप एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, जैसे देखिए एक बिकर से दूसरे बिकर के अंदर जब किसी द्रव पदार्थ को डाला जाता है तो वो उसी का ही आकार ले लेता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द्रव में क्या होता है, अणुओं में जो आकर्षण बल होता है वो घनत्व और ठोस की तुलना में कम होता है। यानी कि जो द्रव जो होते हैं इनके जो अणु होते हैं वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, द्रव के अंदर जो अणु होते हैं इनके अंदर आकर्षण जो बल होता है, देखिए यहां पे आप देख रहे हो सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है, इनके बीच में जो अंतराक्षण जो बल होता है वो अधिक होने के कारण ये जो कण पास 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 में आ जाते हैं, लिक्विड के उससे थोड़े से दूर दूर होते हैं और गैस के उससे ज्यादा दूर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दूध जल इत्यादि, ये सारे सारे किस फॉर्म के होते हैं, लिक्विड फॉर्म के होते हैं। अब देखिए भी अब ठोस की अगर मैं बात करूं तो ठोस की तरह द्रव का आयतन भी तापमान बदलाव के साथ साथ कुछ हद तक प्रभावी रहता है। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे कन्वर्ट हो जाता है उसी प्रकार से उसका आयतन क्या हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की अपने बात करते हैं। अब देखिए भी अपने बात करते हैं 39.2 डिग्री फारेनहाइट, या इसको अगर हम सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का जो घनत्व है वो कितना होता है, 1 ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब होता है या 1 ग्राम मोल होता है। और जल पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है भी, 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, क्योंकि इस तापमान पर दो प्रभाव के विपरीत संतुलन में होते हैं। आपको याद रखना है भाई कितने डिग्री टेम्परेचर पर 39.2 फारेनहाइट या 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का स्थितिक घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब होता है, या हम इसको क्या मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी एमएल के अंदर कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ग्राम एमएल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए लिक्विड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यदि हम जल के हिमांक बिंदु कितना होता है, जल का वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, या हम जिसको क्या बोल सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हैं तो जल का घनत्व क्या हो जाता है, उसका जो घनत्व वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि बर्फ पानी की तुलना में कम घनत्व वाली होती है ना, इसी कारण बर्फ जो होता है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती है ना। आपके पास में ऑप्शन आ गया ना, बर्फ के जो पानी के ऊपर बर्फ वो क्यों तैरती है, क्योंकि जो बर्फ का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है और जल का घनत्व क्या होता है, हमेशा कम होता है, इसी कारण बर्फ जो होती है वो पानी के ऊपर हमेशा तैरती रहती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार लगा लें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करेंगे पदार्थ की तीसरी अवस्था जो कि कौन सी है, गैस स्टेट है। अब देखिए भी किसी दिए गए तापमान पर गैस का न तो कोई निश्चित आकार होता है और नहीं निश्चित आयतन होता है, ये अपने को याद रखना है ना। कोई भी अपने पास टेम्परेचर है उसके ऊपर न तो कोई गैस का कोई निश्चित आयतन होता है, न गैस का कोई निश्चित आकार होता है। और देखिए गैसों में अधिक अंतर आणविक स्थान होता है, देखिए गैसों के अंदर जितने भी गैसें होती है इनके अंदर आणविक स्थान ज्यादा होता है और इनके अंदर उच्च संपीड़न, यानी कि इनके अंदर ज्यादा स्पेस होता है, इनके अंदर कण क्या होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और इनमें संपीड़ता नगण्य होती है, यानी कि न के बराबर होती है। यानी समझ में आई बात सभी को, हाँ जी, जितने मेरे मित्र भी लाइव है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताए नाम, हाँ जी, जितने मेरे मित्र अभी लाइव हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नाम बताएं। हाँ जी, मुंडा कंप्यूटर एजुकेशन केयर की तरफ से कमेंट आया, हेलो सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो देखिए भी जो गैस स्टेट होती है, गैस कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो गैस के अंदर क्या होता है, नगण्य, यानी न के बराबर होता है। और वे अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएगी, जैसे नाइट्रोजन है ना, NO3, ऑर्गन, एयर, ये सारी के सारी क्या होती है, गैसें होती है। देखिए इनके अंदर जो आकर्षण बल होता है इनके अंदर, यानी ये कण आप देख रहे हो
ये सारे के सारे जो कण होते हैं इनके मध्य में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी नगण्य होता है, न के बराबर होता है, ज्यादा इनमें आकर्षण बल जो होता है वो नहीं होता है। और वे अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देंगे, नाइट्रोजन, ऑर्गन इत्यादि। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए अब देखिए भी, ठोस और तरल पदार्थों के विपरीत गैसें, ठोस या तरल पदार्थों के विपरीत गैसें। हाँ भाई, जितने मेरे मित्र लाए हुए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करके बताएं भाई। गैसें तापमान परिवर्तन में से अत्यधिक प्रभावित होती है। देखिए जैसे जैसे एक तापमान जो परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार से इनका जो आकार है, ठोस और द्रव, या विपरीत जो गैसों के अंदर जो तापमान का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। देखिए भी, सबसे ज्यादा जो तापमान से प्रभावित होती है वो होती है गैसें, उससे कम, उससे थोड़ा कम कौन होती है, द्रव, और उस सबसे कम कौन सा होता है, ठोस। ठोसों के ऊपर तापमान का इफेक्ट होता है जो द्रव और गैस की तुलना में कम पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए भी, हमने पदार्थ की तीन जो अवस्थाएं थी कौन कौन सी, सॉलिड, ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में बात कर ली है। और कालूराम शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग सर, जितने मेरे मित्र अभी लाइव देख रहे हैं वो एक बार इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। चलिए अब हम पदार्थ की जो चौथी जो स्टेट है, जो कि प्लाज्मा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, पदार्थ जो होता है वो प्लाज्मा के सामने सामने कब आता है, जब कोई भी गैस क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। द प्लाज्मा फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अपीयर्स व्हेन द गैस इज आयनाइज्ड, यानी कि जब गैस क्या होती है वो आयनित हो जाती है, यानी जब देखिए गैस को अपने फिक्स्ड टेम्परेचर देते हैं, उस टेम्परेचर के अंदर उनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों की जो मात्रा है वो समान हो जाती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। देखिए, प्लाज्मा में धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग क्या रहती है, समान रहती है, यानी प्लाज्मा जो भी स्टेट होगी उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की संख्या क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं, प्लाज्मा किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें गैसों पर विद्युत एवं चुंबकत्व का प्रभाव सबसे अधिक होता है ना। आपको याद रखना है, प्लाज्मा यानी पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा है, और यह पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें विद्युत एवं चुंबकत्व का प्रभाव सबसे सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है ना। इसके अलावा देखिए, ये जो नियोन है ये भी एक प्रकार की आयनित गैस है, और ये बिजली का चमकना ये भी पदार्थ की कौन सी अवस्था के अंदर आता है, फोर्थ स्टेज के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो बहुत उच्च तापमान पर निर्मित होने वाला प्लाज्मा किसमें पाया जाता है, सिर्फ तारों के अंदर पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, हमेशा तारों के अंदर पाई जाती है। और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्लाज्मा और परमाणु कणों के बीच की प्रतिक्रिया अरोरा बोरलिस या उत्तरी प्रकाश के लिए जिम्मेदार है। यह आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में जो की प्रतिक्रिया जो होती है वो अरोरा बोरलिस या उत्तरी प्रकाश के लिए हमेशा क्या होती है, जिम्मेदार रहती है। देखिए, उत्तर के अंदर अपने जो भी प्रकाश दिखाई दे रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पदार्थ की चौथी अवस्था यानी जो कि प्लाज्मा, वो जिम्मेदार रहती है। कालूराम जी शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो सभी अपने को प्रकाश दिखाई दे रहे हैं, इस पूरे जितने भी जैसे तारों का तारे जो होते हैं उन सभी के अंदर पदार्थ की जो गैसीय स्टेज होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। चलिए, हाँ जी, जितने मेरे मित्र अभी लाइव है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे को। अब देखिए, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है पदार्थ की पांचवी अवस्था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए भी, सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1924-25 में इसका पूर्वानुमान प्रस्तुत किया था। देखिए भी, इसके जो कैलकुलेशन थी वो सत्येंद्र नाथ बोस ने प्रस्तुत की थी, और उसके बाद में सन 1924-25 के अंदर इसका पूर्वानुमान किसने प्रस्तुत किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने।
अब देखिए भी इससे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट गैस की परम शून्यता निकट कितनी होती है भी 0 केल्विन या -273.15 सेल्सियस क्वांटम क्रिटिकली बिंदु की इसकी जो स्थिति होती है। देखिए अब सीधी सी बात आपको यह बता दूं पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है और इसके बारे में जो पूर्वानुमान है वो किसने प्रस्तुत किया था भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया था और इसकी जो खोज करने के इसकी जो खोजकर्ता वो कौन है सत्येंद्र नाथ बोस है। देखिए भी पूर्वानुमान किसने लगाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक महान वैज्ञानिक थे उन्होंने लगाया था और इसकी खोज किसने की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी इसी कारण इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ गया। हाँ जी जितने मेरे मित्र अभी लाइव हैं वो एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो ये हमने पदार्थ की पांच अवस्थाओं के बारे में बात कर ली। पदार्थ की पहली अवस्था कौन सी है हाँ जी पदार्थ की पहली अवस्था कौन सी है ठोस, दूसरी कौन सी द्रव, तीसरी कौन सी गैस और चौथी कौन सी है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था कौन सी होती है बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। हाँ जी जितने मेरे मित्र हैं लाइव में एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे को। चलिए तो अब देखिए भी जब पदार्थ जो होता है अगर वो पांच पदार्थ जो होता है वो पांचवी अवस्था के अंदर होता है यानी कि बीसी के अंदर होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर होता है तो उसकी जो शून्यता होती है या जो उसकी शांतता होती है यानी उसमें जो बहने का गुण होता है वो हमेशा क्या होता है जीरो होता है उसमें बहने का समता बहने का जो गुण है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। और आपको पता होना चाहिए बीसी की खोज किसने की थी या बीएसी जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसको किसने खोजा था तो बोस सत्येंद्र नाथ ने। ठीक है ना ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो देखिए आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करने वाले हैं और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल मैं आपसे फिर से रूबरू हूंगा सुबह 8:15 पर और कल हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में बिल्कुल नई एनर्जी के साथ। और अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग आप सभी ने इस वीडियो को देखा और अपने मित्रों के अंदर शेयर किया जितने मेरे मित्र अभी लाइव थे उन सभी का मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। उसके अलावा मेरे मित्र जितने भी अभी लाइव है वो अपने दोस्तों के अंदर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसके बाद में लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके अलावा मैंने इस YouTube के ऊपर जो भी आपको पढ़ाया है और उसको आप प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, YouTube पर मोटिवेशनल स्टडी और Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और Facebook पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ जी जितने मेरे मित्र लाइव हैं एक बार तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करने वाले हैं बाकी हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है जैसे ही हमारे इस चैनल के ऊपर एक टारगेट है 4000 सब्सक्राइबर का जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो यह कंप्लीट होने के बाद में हम आपको बहुत जल्द जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी की जो क्लासे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देंगे और बहुत ही अच्छी फैकल्टी हमारे पास में उपलब्ध है अभी। तो यदि कोई मेरा मित्र अभी लाइव हुआ हो तो अपने मित्रों के अंदर इस चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए राम राम गुड मॉर्निंग शुभ प्रभात थैंक यू।